मेरा नाम राकेश सिंह भदौरिया है और मेरी कंपनी जो है नाम का स्टूडियो इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रही है। और मैंने जो अपनी कंपनी खोली है उसका मेन मकसद ये है कि जैसे पहले ज़माने में आप मध्यांत सिनेमा देखा करते थे, एक तरफ अमिताभ बच्चन आता था और एक तरफ अमोल पारकर आता था, लेकिन आज के देश में यह है कि अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार बड़े कलाकारों को स्क्रीन स्पेस मिल जाता है, लेकिन छोटे कलाकारों और अच्छी फिल्मों को स्पेस नहीं मिल पाता। उसकी वजह है दर्शक, ये भी सही है कि भाई थिएटर है, छोटी फिल्में लगाएंगे कमाई नहीं होगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा। तो मेरा पूरा मैंने जो अपना पूरा तैयारी की है वो तैयारी करेंगे बेहतरीन फिल्में जो लोग बनाते हैं उनको एक स्पेस मिले, थिएटर मिले और जो उन्होंने इनपुट किया है यानी जो पैसे लगाए हैं। और मेरा उद्देश्य है कि जब फिल्म बनती है तो मैं शुरू से उनके साथ जुड़ता हूँ, फ्री के सब्जेक्ट में, उनके कंटेंट में, आर्टिस्ट को लेकर, और बाद में उसको फिल्म को उसी हिसाब से हम रिलीज़ करें। मेरा जो रिलीज़ करने का तरीका हुआ ऑलमोस्ट हम 500-600 थिएटर से ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं, 1000-2000 नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन जितना हमारे पास संसाधन है उसमें जितना बेहतर प्रोड्यूसरों को निकाल के दे सके यही मेरा उद्देश्य है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको हाँ देखिए, आपने ट्रेलर देखा, आपने गाने देखे, आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई लो क्लास फिल्म बनाई गई होगी, चाहे उसे एंगल को लेकर देखें या कलाकार के परफॉर्म को लेकर, हर कलाकार अपने हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, उसमें नए कलाकार भी कहीं आपको एडजस्टमेंट नहीं लगता होगा कि नया कलाकार है। तो फिल्म मैंने जब शुरू से देखी और आखिर तक देखी, मैंने जैसा कहा कि मैं फिल्म शुरू से ही वो बनती है यानी कि आप प्री प्रोडक्शन से मैं उस पर ध्यान देता हूँ और पोस्ट प्रोडक्शन में उस पर ध्यान देते हैं, जब वो हमारे ऑब्जर्वेशन में बन रही होती है तो नो डाउट बेहतरी बनेगी ऐसा हम मानते हैं। बाकी तो दर्शक ही है उसका, आखिरी दर्शक ही बताएगा क्या। कितने स्क्रीन के साथ आप आ रहे हैं? 500 हम थिएटर ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं, साउथ में निजाम तक कर रहे हैं, चेन्नई हमें कुछ थिएटर्स नहीं मिले हैं, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया हो रही है और मल्टीप्लेक्स में करीब 1000 से ऊपर हम पीवीआर है, सिने पॉलिस है, गिरा से आपका लगभग जितने भी मल्टीप्लेक्स में 200-300-400 शो कब तक प्लानिंग रिलीज करते हैं? देखिए हमारी प्लानिंग तो बात की है 24 मार्च की, हमने प्लान की हुई है, लेकिन प्रॉपर अनाउंसमेंट हम आपको 12 तारीख को करेंगे, उस दिन हमारा म्यूजिक रिलीज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो म्यूजिक कंपनी और रिनाउंड म्यूजिक कंपनी कल तक वो भी ओके हो जाएगा कि हम किस डेट के साथ किस बैनर के साथ म्यूजिक रिलीज़ करेंगे। और 12 को ये तय है कि लखनऊ में हम म्यूजिक रिलीज़ कर रहे हैं और उसी दिन हम डेट को अनाउंस करेंगे, बट ये तय है कि मार्च में ही होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।